हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम बैक टू माय मैजिकल चैनल, माय मैजिकल सेशन एंड माय मैजिकल वीडियो विद अ न्यू मैजिकल टॉपिक. आई होप आप अपना वीकेंड एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट कर रही हो. आई एम श्योर आपका वीकेंड बहुत पॉजिटिव जाएगा. सो नेगेटिव पीपल बहुत हैं हमारे आसपास. फैमिली के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन होता ही है जो हमेशा गलतियाँ निकालता है, ब्लेम करता है. उसको एक नेगेटिव कमेंट करना ही होता है. हमने एक वीडियो पहले बनाई है इसके ऊपर कि हाउ टू हैंडल यू नो नेगेटिव डिफ़िकल्ट पीपल. अपने ही लोग जो आपको नीचे खींचते हैं नेगेटिविटी में, तो कैसे हैंडल करना है. बहुत सिचुएशन मुश्किल हो जाती है. आज उसी टॉपिक पे मैं एक सेकेंड वीडियो क्यों बना रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा कि टीचिंग्स में एक बहुत ही प्यारी मुझे स्टोरी पता चली जो मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ. शायद वो छोटी सी स्टोरी सुन के आप सबको भी ये आसान लगे इम्प्लीमेंट करना कि हम कैसे टॉक्सिक पीपल के बीच में रहकर भी पॉजिटिव रह सकते हैं और शांत रह सकते हैं. द स्टोरी गोज लाइक दिस. बुद्धा एक दिन वॉक कर रहे थे, जा रहे थे कहीं पे, और रास्ते में एक आदमी मिलता है उनको. और वो आदमी उनसे बहुत बदतमीजी से बात करके उनको बहुत गंदा गंदा बोल रहा था कि आप क्या लोगों को लेक्चर्स देते रहते हो, अपनी ज़िंदगी देखी है आपने, आता क्या है आपको, इतने महान क्यों बने फिरते हो, इतने कौन से आपने महान काम कर लिए. और वो बुद्धा बहुत देर से आराम से ऐसे शांत होके खड़े होकर उसको सुन रहे थे, एज इफ वो अंदर से बोल रहे हो कैरी ऑन, देखो जो गुस्सा निकालना है निकाल. चुप थे वो. वो बंदा उनकी चुप्पी से और गुस्सा हो गया कि तू ये इरिटेट क्यों नहीं हो रहा है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा है. उसने बोला क्या प्रॉब्लम है, तुमको सुनाई नहीं देता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मुझे. बुद्धा फिर शांत और फिर स्माइल दे रहे हैं. तो वो बंदा रिएक्ट कर करके बहुत गुस्सा उसको आने लग गया. एंड में बुद्धा जी ने उनको क्वेश्चन पूछा, अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर तुम अपने किसी दोस्त को या अपने किसी भी बंदे को कोई गिफ्ट प्रेजेंट में करते हो, प्रेजेंट देते हो, और वो गिफ्ट कहता है मुझे नहीं चाहिए, तो वो गिफ्ट किसकी हुई. क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछते रहते हो, क्यों तुम फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कोई मतलब है, कोई क्वेश्चन है, कोई जवाब है, कुछ उसका है. ही गेट्स इरिटेटेड. और बुद्धा फिर शांत होकर स्माइल देते हैं. थोड़ी देर के बाद बुद्धा जी फिर कहते हैं, अगर तूने किसी को गिफ्ट दी है और वो गिफ्ट स्वीकार नहीं करता है, तो वो गिफ्ट किसकी हुई. तो बंदा गुस्से में कहता है, अरे क्वेश्चन, तेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है, जब वो गिफ्ट स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो वो गिफ्ट तो मुझे वापस मिल जाएगी ना, वो तो मेरी गिफ्ट हुई वापस. बुद्धा जी ने स्माइल किया. बुद्धा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, जो तू इतने एक घंटे से जो मुझे गालियाँ दे रहा है, मुझे बुरा भला बोल रहा है, मुझे नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है, गंदी बातें कर रहा है, मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो किसकी हुई. वो आदमी शांत हो गया. शांत होकर उसने आराम से सोचा कि ये सारा गंद जो मैं उनको दे रहा हूँ, ये तो वापस मुझे ही मिल रहा है. एट द एंड सफरर कौन हुआ, मैं हुआ. कितना इंसिडेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमारे अंदर ज्ञान आ गया, जब हमें समझ आ गई कि कीचड़ में हाथ डालूंगा या कुछ रिएक्ट करूंगा या पत्थर फेंकूंगा तो कीचड़ मेरे ऊपर ही आने वाला है. मैं मानती हूँ इस वर्च्यू को बोलना आसान है, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आई एम 110% श्योर आप इसको, इस सिचुएशन को, इस माइंडसेट को, इस स्टेबिलिटी को अचीव कर लोगे. क्योंकि एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती इस दुनिया में, हर चीज़ रिलेटिव है. मुझे शायद हलवे की रेसिपी ऐसी पसंद है, सामने वाले ने अगर रिएक्ट कर दिया कि ये क्या हलवा बनाया है, सो वैन सो आंटी ये हलवा देखो कितना स्वाद बनाती हैं. सो अब ये आपने देखना है, नंबर वन ये आपका ज्ञान है कि हलवे की रेसिपी रेसिपी नंबर वन भी होती है, टू भी होती है, थ्री भी होती है, फोर भी होती है. हर किसी का हलवे को बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, वे ऑफ कुकिंग डिफरेंट हो सकता है. दैट डजेंट मीन कि ये हलवा मैंने गलत बनाया है. तो मुझे उसके वे ऑफ टॉकिंग और उसे कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. आई हैव टू बी रिलैक्स. नंबर वन, वो इंसान अगर मिसबिहेव करके बात कर रहा है तो समवेयर डाउन द लाइन उसका आत्मा, उसका दिल शांत नहीं है.
जो इंसान हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है अपने ज्ञान से या अपने काम से या अपनी जिंदगी से अपने कर्मों से, वो अंदर से हैप्पी है बिकॉज उसको अपने बारे में पता है कि मैंने ये वाला काम आपको 100% दिया है, मुझे पता है मैंने पूरे एफर्ट्स दिए हैं, मुझे पता है मैंने मन से बनाया है, मुझे पता है मैंने इसको पूरा टाइम दिया है, मुझे पता है मैंने काम चोरी नहीं की है। सो आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने कर्माज को बिलीव करती हूँ। सो मैं इसलिए कंटेंटेड और हैप्पी हूँ। इसलिए मैं इरिटेट होके, गुस्सा होके, फ्रस्ट्रेट होके कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन अगर सामने वाला वही चीज़ को गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेट होके, आपको नेगेटिव करके, आपको नीचा दिखा के आपसे बात कर रहा है, पॉइंट नंबर वन, समझ जाओ कि उसके इंटरनल टर्बुलेंस चल रही है, उसके इंटरनल शांति नहीं है, उसका दिल और दिमाग शांत नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा है जिसका रिएक्शन बाहर निकल रहा है, या तो वो समझ नहीं पा रहा या वो हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि हलवा तो मैंने बनाया है, अपने एफर्ट से बनाया है, मैंने खा के देखा है, बहुत स्वाद लगा है, बाकी लोगों को भी स्वाद लगा है, ये रिएक्ट क्यों कर रहा है? दैट डजेंट मीन, पहली बात तो ये है, किसी के कमेंट को पर्सनली नहीं लेना, ये उसको पसंद नहीं है, इट्स फाइन, हमने रिएक्ट नहीं करना। ओके, आप जितना रिएक्ट करोगे, बिकॉज हमें नहीं पता वो अंदर से कितना उसको अंदर प्रॉब्लम चल रही है कि वो और रिएक्ट पे रिएक्ट करेगा। उसने एक नेगेटिव एनर्जी आपको दी, मैंने रिएक्ट किया तो मैंने एक और नेगेटिव एनर्जी इनपुट कर दी। सो वो एक सिलसिला आपका चलता रहेगा और हम उसी उसी एक नेगेटिव सोच को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वो एनर्जी पूरा रूम में, पूरे घर में, पूरी फैमिली में वो एनर्जी वाइब्रेट हो जाएगी और हम फिर वही सिचुएशन और बार बार अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। फाइन, सो एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ लंबी तभी चलेगी जब हम उसको रिप्लाई करते हैं। सामने वाले ने आपको कुछ दिया और ये एनर्जी का भी नियम है, वो एनर्जी दे ही जा रहा है आपको नेगेटिव, आपकी तरफ से क्या है? शांति। कब तक इसी फ्रीक्वेंसी में देगा? वो धीरे धीरे स्लो, वो धीरे धीरे कम, और वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। बट उस सबसाइड के लिए हमको थोड़ी पेशेंस करनी है, और वो पेशेंस ऑनेस्टली अगर हमारे दिमाग में, हमें ज्ञान से ही हमें वो शांति और पेशेंस मिल सकती है। जब तक कॉन्सेप्ट को हम नहीं समझेंगे तब तक हमें भी इम्पेशेंट होकर हम रिएक्ट करते जाएंगे। जितना आप रिएक्ट करोगे उतना नेगेटिव एनर्जी, याद रखना, जिस चीज़ पे फोकस लगाओ, फोकस करोगे वो एक्सपैंड होती जाएगी, ये सृष्टि का नियम है। तो मैं फोकस अगर नेगेटिव पे करती जाऊँगी तो वो नेगेटिव एनर्जी एक्सपैंड होती जाएगी। एक इंसान ने ऑलरेडी नेगेटिविटी स्टार्ट कर दी है तो आप रुक जाओ, रिप्लाई देना बंद कर दो। हैव पेशेंस, 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 बिना पेशेंस के नहीं होएगा। एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, एक घंटा बोलेगा, दो घंटा बोलेगा, उसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। सबसे पहले तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग। आई नो आप सबको फनी लगेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है और ये डीप ब्रीदिंग के लिए बोल रही है। देखो, आप जैसे ही अगर आप उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका माइंड रिएक्टिव हो जाता है। सो आपका माइंड आपको रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेगा और हमें पता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में हमें पेशेंस लाने में टाइम लगेगा। सो इन दैट केस डीप ब्रीदिंग एक्चुअली हेल्प्स। अगर हम एक बार भी लेंगे ना, उससे क्या हो गया, जो नेगेटिव एनर्जी थी वो एक्सहेल में बाहर निकाल दी। सो थ्री डीप ब्रीदिंग में आपका दिल और आपका दिमाग काम डाउन हो जाएगा। काम डाउन में क्या हो जाएगा, रिएक्टिव मोड बंद हो जाएगा, रिस्पॉन्डिंग मोड आ जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स ही होते जाओगे डीप ब्रीदिंग से। तो रिस्पॉन्डिंग मोड जो है ना, वो आपको माइंड को जब शांत करेगा ना, तो आप अपने ज्ञान को एक्सेस कर पाओगे अपने माइंड से और अपने आप को रिमाइंडर भी दे पाओगे, आई हैव टू काम। वो इंसान अभी अंदर से प्रॉब्लम में है, तभी वो बदतमीजी से या नेगेटिव वे से बात कर रहा है। मैं मानती हूँ हमने किसी के अंदर का ठेका नहीं लिया होगा कि उसको अंदर तक समझ के ठीक करना है, वो क्यों बदतमीजी कर रहा है। बट ये हमें शांत करने के लिए हमें नॉलेज तो चाहिए ना, कि वो समवेयर डाउन द लाइन उसके अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो आपको सिर्फ बुद्धा जी की तरह शांत होके ना उसे बोलने देना है, अलाउ हिम टू से वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से। तो आपका अलाउइंग मोड बहुत ज़रूरी है, जैसे एक्सेप्टिंग मोड बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस क्या हो गई, सामने वाले ने रिएक्ट किया है, उसने बदतमीजी की है, वो नेगेटिव मोड में जा चुका है, उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। हमारा एक्सेप्टिंग मोड क्या है, एक्सेप्ट ही इज़ इन पेन, एक्सेप्ट वो अभी नेगेटिव प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक्सेप्ट
मुझे नेगेटिव पे नहीं उतरना, तो रिलैक्स एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, डीप ब्रीदिंग से माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आप रिस्पॉन्डिंग मोड में आ जाओगे। रिस्पॉन्डिंग मोड में क्या होगा? रिलैक्स, लेट हिम से वॉट एवर ही वॉन्ट्स, लेट हिम वेंट आउट वॉट एवर ही वॉन्ट्स। कब तक वो वेंट आउट करेगा? एक घंटा, आधा घंटा? आप अंदर से शांत, प्रिया रिलैक्स, ही इज़ इन ट्रबल, ही इज़ अ पेशेंट, ही इज़ इन ट्रबल, इज अ मेंटल पेशेंट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। शुरू में आपको ये बोल के ही काम चलाना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप इतने कंटेंटेड हो जाओगे कि आप किसी भी बात को, किसी भी ऐसे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट को दिल से लोगे ही नहीं, क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीफ बढ़ जाएगा। आई गेव माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने बेस्ट रेसिपी बनाई है, मैंने दिल से बनाई है, मैंने अपने लोगों के लिए बनाई है, और वो ख़राब नहीं है। सामने वाले का टेस्ट डिफरेंट हो सकता है, सामने वाले की प्रायोरिटी डिफरेंट हो सकती है, सामने वाले का इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। सो हमें रिएक्ट नहीं करना, इट इज़ जस्ट अ रिलेटिव थिंग कि मुझे ये रेसिपी पसंद है, आपको वो पसंद है, दैट इज़ ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। और जब बंदा नजायज़ बक 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 बोलता है, नेगेटिव नजायज़ बोलता है, टेक हिम हैज़ अ मेंटल पेशेंट। शुरू में मेंटल पेशेंट, देखो है वो भी इंसान, प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही है, इसलिए वो रिएक्टिव हो रहा है। बट अभी हमको ठंडा करना है। आज हमारे घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जो मेंटली चैलेंज्ड हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो, और वो कोई चीज़ तोड़ दे या वो बदतमीजी कर दे या वो कोई चीज़ फेंक दे, तो हम रिएक्ट करते हैं नो, क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। एक्सेप्टेंस फिर से आ गई, एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो उस मेंटल बुद्धि के लेवल पे है ही नहीं कि वो राइट और रॉन्ग समझ सके। सेम अप्लाइज टू सच पीपल जो हर वक्त नेगेटिव ही उगलते रहते हैं, हर वक्त नेगेटिव ही एमिट करते रहते हैं। सो थिंक, वो अभी तक जागरूक ही नहीं हुआ है। यू शुड पिटी हिम, उस पर दया आनी चाहिए कि उसको अभी तक इतनी उम्र हो गई है, उसको अभी तक ज्ञान ही नहीं है, उसने अपने इतने 40-50 साल जिंदगी के वेस्ट कर लिए, वो अभी भी अंधेरे में ही है। आई एम स्टिल, भगवान जी ने मुझे लाइट दिखाई है, सो आई एम स्टिल ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म, तो अगर मुझे समझ आ गया तो मैं क्यों ना ट्राई करूँ। सो लेट हिम से। सो द टू मैजिकल वर्ड्स इन योर लाइफ, एक्सेप्टेंस एंड लेट गो, एक्सेप्टेंस एंड लेट गो। So I end up my video with these two magical words. I hope I could make it more easier to understand. I self and trust God and implement these two magical words in your life. I love you all. Have a happy weekend. Bye bye. See you soon.